हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML। तो यार ये वीडियो हमने बिगनर्स के लिए बनाई हुई है और इसके अंदर हम CSS की बात नहीं करेंगे, सिर्फ HTML पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो HTML होता है क्या है? बेसिकली कोई भी आपकी वेबसाइट है ना, उसमें क्या 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 कंटेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर मान लो एक हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर इमेज आ गई, फिर बटन आ गया, फॉर्म आ गया, तो ये सब आपका HTML की हेल्प से आता है। तो बेसिकली HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, मार्कअप डिफाइन करता है। ठीक है, तो HTML लिखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक है ब्राउज़र, दूसरा है आपका टेक्स्ट राइटर। ठीक है, तो अभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, जो कि कोड एडिटर है और उसमें कुछ ऑटो कम्प्लीट्स भी हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाइए विजुअल, गूगल पे जाइए, विजुअल स्टूडियो कोड लिखिए और यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करना कुछ नहीं है, डाउनलोड पे क्लिक करा, डाउनलोड होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट 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 और ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लाइए करते हैं आगे। अब इसके बाद एक फोल्डर बना लो HTML के नाम से, यहाँ जाओ, इसमें लिखो CMD कोड स्पेस डॉट, तो आपने जो VS कोड अभी इंस्टॉल करा था वो आपका खुल जाएगा। तो लाइए करते हो अपन इसको। हाँ जी, तो यहाँ पहले हम बनाएंगे अपनी HTML फाइल, तो index.html, तो ये आपकी HTML फाइल है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, पहला आपको डॉक्यूमेंट डिफाइन करना पड़ता है, तो डॉक टाइप HTML, उसके बाद आप लिखते हो हेड। ठीक है, हेड में वो सब इन्फॉर्मेशन आती हैं जो ब्राउज़र को चाहिए होता है, गूगल को चाहिए होता है, क्लाइंट को नहीं चाहिए होता, मतलब कि जो आपकी साइट व्यू कर रहा होता है उसको नहीं चाहिए होता। जैसे कि अभी के लिए आता है टाइटल, ठीक है, तो इसमें सारे सारे टैग्स होते हैं, यहाँ पे टैग खुलता है, यहाँ पे टैग क्लोज होता है। ठीक है, तो लिखते हैं फर्स्ट पेज। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, आपके पास होता है बॉडी। तो बॉडी होता है जो कंटेंट आपका विजिबल होगा ब्राउज़र के ऊपर, वो बॉडी के अंदर रहेगा। जैसे कि अभी के लिए हेडिंग बनाते हैं, तो H1 टैग है, ये हेडिंग के लिए होता है। ठीक है, हेलो HTML। ठीक है, अब इसमें ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, अभी के लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एक्सटेंशन आ जाती है आपकी, ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए और लिखिए लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर लिखोगे, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे क्लिक करिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा और चलाने के लिए यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए, ओपन विद लाइव सर्वर, ये क्लिक कर दोगे तो आपका क्रोम खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आगे आपका हेलो HTML, तो इसको मैं हाफ साइड इसको करता हूँ, आधे में इसको लेके आता हूँ। ठीक है जी, तो अब लिखते हैं आगे कोड। तो ऐसे हेडिंग है, हेडिंग ऐसे बहुत सारी होती हैं, H1 से लेकर H6 तक जाती हैं आपकी। तो लाइव सर्वर का फ़ायदा क्या है, जो मैं लिखूँगा ना यहाँ पे, वो सीधा सीधा आपको ब्राउज़र पर दिखता जाएगा। यहाँ पर लिखा H1, यहाँ लिखा H2, यहाँ H3, यहाँ H4, यहाँ H5, सेम ऊपर भी H4, H4, H3, H2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हो, अब ऐसे H6 भी कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे H6 आपका। तो अब आप देख रहे हो कि जो H1 है ना वो सबसे बड़ा है, उससे छोटे छोटे हैं ये। ठीक है, तो डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है इसकी। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं पैराग्राफ पे। ठीक है, उसके लिए होता है P टैग। ठीक है, अब VS कोड में एक शॉर्टकट होता है डमी टेक्स्ट के लिए, तो लॉरम लिखिए और 10 लिख दोगे तो ना 10 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट आ जाएगा आपका। तो ये एक पैराग्राफ टैग है, तो इससे आपका पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ बन गया। अच्छा, पैराग्राफ के अलावा आपके पास लिस्ट भी होती है। ठीक है, जैसे आप लिस्ट बना सकते हो, तो यहाँ आते हैं एक बारी और ऊपर आते हैं, तो उसके लिए आपके पास पहले होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसमें नंबरिंग नहीं होती, तो स्टार्ट होती है वो UL से और उसके अंदर होते हैं LI, तो LI 1 2 3 बना दिए मैंने, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपको नंबरिंग वगैरह चाहिए
तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कॉपी करूँगा सारा कोड ये वाला, और ये आपकी ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। तो उसके जस्ट यूएल की जगह ओएल लगाना होता है, बस तो आपका ओएल हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास इतनी बात कर ली हमने। अब इसके बाद आपके पास दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल में, दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। पहला होता है आपका ब्लॉक लेवल, ठीक है, पहला होता है आपके पास ब्लॉक लेवल। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल क्या होता है, ये हमेशा न्यू लाइन के अंदर आएगा, ठीक है, और अपनी पूरी विड्थ लेगा, मतलब कि 100% विड्थ लेगा जिस जिस भी लाइन में आएगा। ठीक है, अगर आप पेज की तरह मानते हो तो हमेशा रजिस्टर के एक पेज के एक लाइन के अंदर आएगा ये। और अगला होता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि अभी के लिए हेडिंग्स थी हम हमारी, ठीक है, हेडिंग्स में H1 से लेके H6 तक सारी ये आपकी क्या है, आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपके पास, हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग की बात कर ली, पैराग्राफ होता है आपके पास, पी टैग, इसके अलावा एक डिव होता है, डिव की अभी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, और इसके अंदर इसके अलावा क्या आपके पास, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया आपके पास इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको एलिमेंट बोल देते हैं हम। ठीक है, इनलाइन के अंदर आपके पास वो क्या होते हैं, वो सिर्फ रिक्वायर्ड स्पेस लेंगे और न्यू लाइन नहीं लेके आते हैं, उनका मन नहीं होता न्यू लाइन लाने का, तो रिक्वायर्ड स्पेस ही ले लेते हैं, रिक्वायर्ड स्पेस लेंगे और न्यू लाइन नहीं लेके आएंगे। इसी की तरह मतलब कि इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इमेजेस होती हैं, एंकर्स होते हैं, एंकर बेसिकली एड्रेस टैग जिन पे क्लिक करके आप दूसरे लिंक पे जा सकते हो, दूसरे पेज पे जा सकते हो। स्पैन होता है आपके पास, ठीक है, तो ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जो हेडिंग है ना, H1 के पास, H1 नई लाइन पे आया, H2 नई लाइन पे आया पहले तो, और H1 के बाद ना स्पेस है H2 के आने का, बट आपका H2 फिर भी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो सारी ये हेडिंग्स जो होती हैं वो ब्लॉक लेवल होते हैं, और जो ये पैराग्राफ होता है, लिस्ट होती है आपकी, सारे क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल होते हैं। बात कर लेते हैं हम इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर। तो आपके पास तीन तरीके के देखे थे अभी तक हमने, इमेजेस, एंकर और स्पैन। तो पहले बात कर लेते हैं एंकर के बारे में। तो एंकर को आप एड्रेस टैग भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एड्रेस डिफाइन करते हो कि कहाँ पे जाना है इस पर क्लिक करके, तो ए टैग होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ये आपकी इनलाइन है, तो यहाँ लिख दिया मैंने इनलाइन, और नीचे लिखते हैं आपका एंकर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ इधर लिखूंगा मैं अपना HTTP के अंदर https://www.google.com, और यहाँ लिखा गो टू गूगल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप किसी साइट के ऊपर जा सकते हो, तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये सारे आपके इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाँ मुझे नाम भी चेंज करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो हर जगह आपका अलग अलग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अभी इनलाइन इसलिए हैं बिकॉज सारे एक के बाद एक आ रहे हैं और न्यू लाइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। अब ऐसे ही ना आपके पास कुछ स्पैन्स होते हैं, ठीक है, आप ना एक टैग के अंदर एक और टैग डाल सकते हैं, जैसे कि एक पी टैग है, इसमें लिखा है लॉरम 10, तो 10 टेक्स्ट का डमी आ गया आपका। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे स्पैन, ठीक है, स्पेस दिया और आपका ये स्पैन टैग बना दिया, जस्ट मुझे यहाँ लिखना होगा मेरे ख्याल से स्पैन का, स्पैन यहाँ पे और अगला स्पैन यहाँ बना दिया स्लैश स्पैन। ठीक है, अच्छा इस स्पैन का फायदा क्या है, स्पैन से ना कुछ फर्क नहीं आया आपके आपके पेज के ऊपर, बट आप जैसे मान लो पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंज करना है, कुछ अलग से दिखाना है,
जैसे कि ना यहाँ पे स्टाइल की हेल्प से स्टाइलिंग कर सकते हो। अभी एस्टिमेट करते हैं बट हल्का देख लेते हैं एक बारी। तो बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं इसका, बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, तो इस टेक्स्ट का ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और कलर इसका कर देता हूँ मैं, कलर कर देते हैं इसका वाइट। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और कलर आपका वाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बेसिकली उस पैन का यूज़ किया क्या पता लग गया आपको। आप क्या कर सकते हो इसकी हेल्प से, किसी एक आप नॉर्मली लिख रहे हो, कुछ एक टेक्स्ट आपको अलग तरीके से दिखाना है तो उस पैन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पैन की बात कर ली, एंकर की बात कर ली, ऐसी इमेजेस इमेजेस की बात कर लेते हैं। तो लाइए IMG, तो उसके लिए IMG टैग होता है आपके पास। ठीक है, और सोर्स के अंदर उसका लिंक आइडेंटिफाई करते हो कि उसका एड्रेस क्या है। तो अभी के लिए मेरे पास एक कार की इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो लाइए कार डॉट JPG। इसके बाद ऑल्ट में क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट, मान लो आपने लिंक गलत डाल दिया, ठीक है, तो उसके लिए उसके टाइम पे क्या आना चाहिए। तो अभी के लिए लिख दिया मैंने कार डैश वन आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे कार इमेज थी तो कार डैश इमेज आ जाएगा। ऐसे ही एक बार मैं गलत करके दिखाता हूँ, तो एक में आपका इमेज आएगी और एक में टेक्स्ट आ जाएगा, तो का नाम की जगह कुछ और डाल दिया। तो बेसिकली यहाँ पे पास डालना होता है तो सेम फोल्डर में, तो नाम से भी काम चल जाएगा आपका। तो ऊपर वाले में लैम्बोर्गिनी की इमेज आ गई, अगले वाले में सिर्फ कार डैश इमेज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो अब बात कर ली इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। अच्छा अब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो आप यूज़ करोगे टेबल्स यूज़ करोगे। ठीक है, तो टेबल्स को मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, ठीक है, और फिर उसका एक बार में आपको समरी दे दूंगा। बात कर लेते हैं टेबल के बारे में। तो टेबल में दो पोर्शन है, हेड और बॉडी। तो हेड होता है आपके इस पोर्शन के लिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन टी हेड। ठीक है, इसके अंदर हर एक कॉलम के लिए आपके पास TH होता है। ठीक है, तो पहला वाला कॉलम नेम, फिर सब, फिर ग्रेड, जस्ट हेडिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप आओगे बॉडी के अंदर, तो ये तीन जो है ना ये आपके बॉडी का पार्ट है। तो टी बॉडी के अंदर हर एक रो के लिए आपके पास TR होता है। बेसिकली पहले वाला TR डेव, मैथ और A1 को रेफर कर रहा है, और हर एक कॉलम के लिए आपके पास उसके TD होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा टेबल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की, क्या एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, पहले तो टैग्स की बात कर लेते हैं कि ये सब टैग्स होते हैं। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक की बात कर ली है, टेबल की बात कर ली है, अब अगली चीज़ आती है आपके पास एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स ना प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली HTML का कोई भी टैग है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो एक पी टैग है, उसका जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ पी टैग, ठीक है, ये आपको विजिबल रहेगा, लेकिन जो आप यहाँ पे लिखोगे ना कुछ प्रॉपर्टीज, उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि क्लास एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप कुछ नाम वाम दे सकते हो ताकि आप बाद में उसको CSS या जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सेलेक्ट कर पाओ और कुछ काम कर पाओ, जैसे कि पी डैश टैग बोल दो उसको। ठीक है, तो ये वाला कंटेंट है ना, ये आपको इस स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, तो इनको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ऐसे क्लास एक एट्रीब्यूट है, SRC एक एट्रीब्यूट है, ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है, HRF एक एट्रीब्यूट है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं क्लाइंट को विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन बताते होंगे। ठीक है, उन सबको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अब बात कर लेते हैं डिव के बारे में। तो डिव बेसिकली जेनरिक रैपर सा होता है, तो इसका कोई यूज़र को कोई यूज़ केस नहीं होता, जस्ट ये डेवलपर के लिए होता है। जो साइट लिख रहा है वो इतना कुछ कंटेंट रैप कर देगा। ठीक है, अभी तो जैसे मैं डिव लिखता हूँ, डिव के अंदर ना जैसे मैं कुछ ना P P × 3 करूँगा, तो Emmet नाम की एक्सटेंशन प्री इंस्टॉल्ड आती है इसके अंदर, उससे तीन पी टैग बन जाएंगे। ठीक है, और ऑल्ट से इन तीनों को आप चेक कर पाओगे। ठीक है, लिखता हूँ लॉरम Norm 10, तो तीनों में ही एक अपन टेक्स्ट आ जाएगा, तो कुछ शॉर्टकट आने चाहिए, काम आते हैं। अच्छा अब क्या करा है डिव ने, कुछ एक्चुअल चेंज नहीं करा, सिंपली ये तीन पैराग्राफ जैसे नॉर्मली आते हैं वैसे इसमें भी आ रहे हैं। बस डिव का मतलब क्या है कि ना, इसने आप किसी डेवलपर के लिए इसको रैप कर दे ताकि वो इसमें अगर किसी पूरे में स्टाइलिंग डालना चाहे ना तो यहाँ से ऐड कर सकता है। तो वो कैसे ऐड करेगा, अभी के लिए सिर्फ वो यहाँ पे इसका आइडेंटिफायर क्लास दे देगा। ठीक है, तो P-Wrapper कर दिया। तो लाइए अब बात कर लेते हैं इनपुट्स के बारे में। तो इनपुट्स की हेल्प से आप इनपुट ले पाते हो। तो पहला है आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट,
इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो इससे आप टेक्स्ट इनपुट ले पाओगे, ठीक है, इतने से आप टेक्स्ट इनपुट ले पाओगे, जो भी लिखोगे तो वह एंटर हो जाएगा। अब क्या करते हो दुनिया, लेबल नाम की चीज़ यूज़ करती है, तो लेबल से आप इस लेबल को इस इनपुट से एसोसिएट कर पाओगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यूज़ होता है ये फॉर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपको फॉर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है आईडी, तो ऊपर का फॉर नीचे की आईडी सेम होनी चाहिए आपकी। यहाँ लिखा मैंने नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम, तो दोनों का सेम होना चाहिए। अब क्या लेबल, क्या एसोसिएशन, उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट। जैसे कि फर्स्ट लिख दिया मैंने कि भाई फर्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये फोकस हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ फोकस हो गया आपका। फर्स्ट के बाद ऐसे ही और भी होते हैं आपके पास, जैसे कि पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, तो इनपुट टाइप पासवर्ड भी होता है आपके पास, ठीक है। सेम तो मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगा दूंगा, इधर पेस्ट करूंगा। बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है, अब जब एंटर करोगे ना तो ये आपको टेक्स्ट दिखेगा नहीं, ठीक है। अब अगली चीज़ जो है, इसके अंदर इनपुट टाइप कलर भी होता है आपके पास, इनपुट टाइप कलर भी होता है आपके पास, ठीक है। तो लेबल वगैरह यूज़ नहीं करूँगा इस केस में, ठीक है, हो गया, बहुत हो गया लेबल का यूज़ केस, कलर, ठीक है, तो इनपुट टाइप कलर कर गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। इसी की तरह एक होता है रेंज स्लाइडर के लिए, फॉर स्लाइडर, ठीक है, तो इनपुट टाइप रेंज, ठीक है, तो इससे आप स्लाइडर इंक्लूड कर सकते हो, स्लाइडर है ना ये, तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो साथ में। अच्छा, अब इसके अलावा नेम हो गया, टेक्स्ट हो गया, बेसिकली पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, रेंज हो गया, ऐसे ही। हाँ, ईमेल नहीं हुआ आपका तो एक ईमेल भी डाल देते हैं, लाओ जस्ट इनपुट टाइप ईमेल। तो ईमेल में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, ये वैलिडेशन का काम आता है बस, कि एट द रेट लगाओगे तभी ये अलाउ करेगा, तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब लास्ट में एक और इनपुट देख लेते हैं, वो फाइल के लिए होता है, ठीक है, अगर आपको फाइल का इनपुट चाहिए तो उसके लिए होता है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, बेसिकली यहाँ पे आप फाइल चूज कर सकते हो। फिर अब कोई फाइल चूज करी तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, बेसिकली कार डॉट जेवीजी लिखा हुआ आया तो इसको लोड भी करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपके इनपुट्स हो गए, ठीक है। अब मेजरली इसके अलावा बटन होता है आपके पास, बटन भी सिंपल टैग होता है, ये भी इनलाइन होता है, बटन होता है आपके पास, ठीक है, बटन में क्लिक मी कर देते हैं, ठीक है, जस्ट क्लिक में लिखा हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास फॉर्म होता है, तो जैसे कि इन सब इनपुट्स को आप एक फॉर्म के अंदर रैप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, और फिर ये फॉर्म को सबमिट करवा सकते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी होगी एचटीएमएल स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो सेक्शन था ना, ये ना बिगिनर्स के लिए था, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी सीएसएस के ऊपर, तो सीएसएस में हम मेजरली छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी जो कि यूजफुल है, जैसे कि ओवरफ्लो हो गया, बॉक्स मॉडल हो गया, काफ़ी चीज़ें होंगी, फ्लैक्स बॉक्स हो गया आपका, ठीक है, वो सब हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्प देगी, ठीक है। आप सिंपली 10-15 मिनट लगाइए, 2x पे देखिए ये वाली वीडियो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगर मज़ा आया तो लाइक ठोको, ठीक है, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।